हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल एजुटेनमेंट आपके इस परिवार में। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को 10 जीके क्वेश्चन देंगे। तो आई होप कि आप लोग इस वीडियो के एंड तक बने रहे, और आप लोगों को कितने क्वेश्चन के आंसर पता थे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वे कौन थे। ऑप्शन है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। तो आपके पास सबसे 5 सेकंड का समय है जवाब देने के लिए। अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। तो आज हमारा दूसरा क्वेश्चन, राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ है। ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी भिवानी, ऑप्शन सी हिसार, ऑप्शन डी सोनीपत। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी हिसार। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहां से मिला था। ऑप्शन ए भीतरगांव लेख से, ऑप्शन बी एरन अभिलेख से, ऑप्शन सी बिलसद स्तंभ लेख से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास सबसे 5 सेकंड का समय जवाब देने के लिए। अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी एरन अभिलेख। भाषा देव भाषा है, ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी खड़ी भाषा, ऑप्शन सी संस्कृत या ऑप्शन डी पाली। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय है जवाब देने के लिए। अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी संस्कृत। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान है। ऑप्शन ए पुरी, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी कांचीपुरम, ऑप्शन डी महाबलीपुरम। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय जवाब देने के लिए। अगर आप लोग को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका जवाब है ऑप्शन डी महाबलीपुरम। तो आज का हमारा 6ठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बांध ब्यास नदी पर बना है। ऑप्शन ए रंजित सागर बांध और पोंग बांध, ऑप्शन बी पोंग बांध और पंडोह बांध, ऑप्शन सी पंडोह बांध और भाखड़ा नागल बांध, ऑप्शन डी नाथपा बांध और पोंग बांध। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी पोंग बांध और पंडोह बांध। क्वेश्चन नंबर 7 है, काकोरी ट्रेन डकैत कांड के नायक कौन थे। ऑप्शन ए रामप्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी बरतुल्ला, ऑप्शन सी भगत सिंह या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास है सिर्फ 5 सेकंड का समय जवाब देने के लिए। अगर आप लोग को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए रामप्रसाद बिस्मिल। हमारा है 8ठा क्वेश्चन, किस मगध राजा को सेनिया के नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी शिशुनाग, ऑप्शन डी अजातशत्रु। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए बिंबिसार। तो आज का हमारा है 9वां क्वेश्चन, बाबा गरिया पूजा त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन ए त्रिपुरा में, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए त्रिपुरा में। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था। तब ऑप्शन है ऑप्शन ए नरसिंह वर्मन, ऑप्शन बी ए महेंद्र वर्मन, ऑप्शन सी नंदी वर्मन या ऑप्शन डी सिंह विष्णु। तो अब आपके पास सिर्फ 5 सेकंड का टाइम है उत्तर देने के लिए। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए
नरसिंह वर्मन। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन और उनके आंसर। तो आई होप कि आप लोगों ने खुद को रैंक किया होगा और कमेंट में बताया होगा कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन का आंसर पता है। तो ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर करें, जिससे कि ऐसे जीके क्वेश्चन आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचते रहे। तो अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।